हेलो ब्रियान, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी भी ऐसा हो भी नहीं सकता, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और हो भी नहीं सकता है कह सकते हैं। और इतने बड़े YouTube के साथ चैनल के साथ ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है, तो सोचिए आपका एक मामूली से चैनल है हमारा आपका। दोस्तों, आपको पता होगा कि कल से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि क्रेजी एक्स वाई जेड के चैनल को लेकर था। क्रेजी एक्स वाई जेड चैनल को लेकर उनके चैनल को हैक हो चुका था, जो कि कह सकते हैं कभी उनके चैनल पर सी लोगों में सी लिख नजर आता था, तो कभी उनके लोगों में निंजा हथौड़े के लोग दिखता था, मतलब कह सकते हैं। दोस्तों, मेरे उनके चैनल में उनका खुद का मैं उनका सब्सक्राइबर हूं, उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, कह सकते हैं मिस्टर इंडियन हैकर और केजे एक्सपर्ट का एक्सपेरिमेंट चैनल मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूं। और दोस्तों, मैं टेक्नोलॉजी से जुड़े रहता हूं, तो इसकी वजह से मुझे एक्सपेरिमेंट चैनल देखना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं उनके चैनल सर और कई बार मैं ब्राउज फीचर्स वगैरह में मुझे शो भी किया था सी और निंजा हथौड़ी वाला चीज लेकर लोगों को मैं, लेकिन नोटिस नहीं किया था, नोटिस नहीं कर रहा था, बिकॉज आपको पता है कि भी अंग्रेजी एक्स वाई जेड अमित भाई इस समय वर्ल्ड टूर पर निकले हुए, जिसकी वजह से कह सकते हैं कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि हो सके किसी, लेकिन कई इत्तेफाक लगता है कभी हो सके क्रेजी एक्स वाई जेड के कई ऐसे नकल चैनल भी देखे गए। मैंने जो भी उनके चैनल को देखा, लेकिन मैं सब्सक्राइबर को मैं नोटिस नहीं किया कि 27 मिलियन वाला सब्सक्राइबर है, मैंने एकदम फोकस नहीं किया। मैं बाद में ध्यान देता हूँ कि 27 मिलियन वाला सब्सक्राइबर है, कि एक्चुअली में उनका ओरिजिनल चैनल ही हैक हो रहा था। गाइस, उसको देखने मिले थे, कभी उसके चैनल पर लोगों में सी नजर आता था, कभी कभी उनके चैनल पर कह सकते हैं उनका निंजा हथौड़ी वाला लोगो नजर, उनकी चैनल कई वीडियोस भी डिलीट हो चुकी थी। फाइनली अभी कह सकते हैं क्रेजी एक्स वाई जेड का जो चैनल है रिकवर हो चुका है और कह सकते हैं अभी सेव जोन में सेव है और उनके वीडियो भी वापस आ चुके हैं। ऐसे में कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि है और सभी लोग उनके व्यूअर्स उनको प्यार करने वालों को सबको लेकर उनके लेकर, और उन्होंने स्वयं एक वीडियोज बना के भी उनकी चीज़ के भी पूरी तरह कन्फर्म किया कि उनकी चैनल वाकई में सचमुच हैक हो चुका था। उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दोस्तों, कभी भी होता है, कभी भी YouTube पे ऐसे बग्स निकल कर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं चैनल के हैक भी होते थे। दोस्तों, मैं इसीलिए मैं बार बार अपने हर एक चैनल की वीडियोस में कहते रहता हूं कि कभी भी किसी भी अननोन पर्सन लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचिए। और मैं हर बार बताऊं कि अपने चैनल का हर एक सेटिंग को ऑन कीजिए जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूट्यूब ने बता रखा है, उस सब के लिए हर तरीके से अपना सेटिंग ऑन रखिए। रिकवर नंबर, रिकवर ईमेल आईडी, रिकवरी चीज, हर चीज़ टू स्टेप वेरिफिकेशन, सब कुछ आप उसे ऑन रखें जिससे आपको चैनल कभी भी हैक होने से बचे रहे। वैसे बड़े बड़े चैनल आप सेफ नहीं है, तो मैं छोटे बड़े छोटे चैनल को नहीं कुछ कर सकता, बट अपने तरफ से पूरी तरह सेफ रहने की कोशिश करें किसी प्रकार से। और यह है कि चैनल थोड़ी यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं कहूँगा, बी अवेयर रहे, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी चैनल के साथ, कोई भी अननोन लिंक पर जब व्हाट्सअप वगैरह या कहीं भी इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं ऑनलाइन अननोन लिंक ऐसे देखते हैं तो आप कहीं भी क्लिक ना करें, जिससे आपके चैनल खतरे में पड़ सकती है। ऐसा स्पॉन्सर लेकर भी कई ऐसे खतरे देखने को मिलते हैं, स्पॉन्सर देने के बहाने भी कई ऐसे लिंक भेजे जाते हैं जिससे आपको उस लालच में आकर भी ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और आपके चैनल हैक हो जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।